ही बुरा आइडिया है रायली। ओ गॉड, ऐसा मत किया करो। ये खतरनाक है, ये उनका घर है। तो तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये डीमन का हेडक्वार्टर है? हाँ। तो ये एक छोटी सी बात है ना? क्योंकि तुम्हारी आंखें खुली हैं और तुम सिर्फ इस बिल्डिंग को देख सकती हो, लेकिन ये उन सब के लिए उनका घर है। तुम्हारा टैटू उन्हें तुम पर सामने से अटैक करने से रोकता है, लेकिन शायद तुम उन्हें उनके घर में ना रोक सको। क्या वहां मार्कोसियस होगा? हाँ। तो मैं अंदर जा रही हूं। चाहिए था। तो लोग सही कहते हैं। तुम जैसे सोच रही हो जंग वैसे नहीं लड़ी जाती। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए। जिसने तुम्हें चैंपियन बनाया वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, इसलिए चली जाओ रायली पारा। लोग कहते हैं कि तुम कल्पना हो। वो इंसान ही क्या जिसके पीछे कहानी ना हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाल रही हो? उसका बदला लेने जो तुमने कैरा के साथ किया। खैर, ये बहुत ही दिलचस्प हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, समझी तुम? तुम ये फैसला नहीं कर सकते। अपनी जबान संभालो। मैं तुम्हें बता दूं कि कैरा की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और रेडवन? मैं उससे मिला था ऐसे ही डिस्कस करने के लिए और सच जानने के लिए। तुमने हमारी एक मीटिंग में दखल डाली थी। मुझे यकीन है तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम उससे क्यों मिले और इतने समय बाद जंग को दोबारा शुरू क्यों किया? मैंने नहीं किया। मैं और रेडवन जब हम दोनों मिले थे, तब हमने फैसला किया कि तुम्हारा रास्ता ही तुम्हारे अस्तित्व का फैसला करेगा। और तुम देखकर हैरान हो जाओगी कि तुम में से कितनों ने अंधेरे का रास्ता चुना बिना हमारे किसी प्रभाव के। अंधेरा बढ़ रहा है डिटेक्टिव, और हमारे पास इस काम को करने के लिए ताकत है। मैं जंग को खत्म नहीं करूंगा, मैं इस पर काम किए बिना ही जीत रहा हूं। मुझे इसके लिए भी काम करना है। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे अरेस्ट करोगी? चाहो तो कोशिश कर लो। तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। डीमन, ल्यूटिनेंट, फिगरहेड तुम्हारे लिए वीरान जगहों में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। वैसे उनमें से मैं बहुतों को खत्म कर चुकी हूँ और शायद जल्दी ही तुम्हें भी कर दूं। ठीक है, लेकिन एक चीज तो तय है, तुम बहुत ही खतरनाक हो। और यह भी साफ है कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम जिंदा हो। सच्चाई खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से बाहर जाने दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा जो भी यहां हुआ। ये कोई धमकी है? मैं सोचूंगा अगर तुम्हें याद रहा तो। मैं तुम्हें मार सकता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा खात्मा करूंगी, लेकिन एक पुलिस के नाते नहीं, एक चैंपियन के नाते। काफी मजेदार होगा, ध्यान रखना डिटेक्टिव। जुलिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डिटेक्टिव पारा और प्रीस्ट, हम यहाँ मिस्टर मॉरिस से मिलने आए हैं। क्या उन्होंने तुम्हें बुलाया है? नहीं। तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। क्या आप सीरियस हैं? ये एक गेस्ट हाउस है
और हम यहाँ हमेशा प्राइवेसी की उम्मीद करते हैं, और इस तरह से यहाँ एक ऑफिसर्स का घूमना मना है और ना ही किसी तरह की प्राइवेट मिलिट्री। ओह, तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि उनका लड़का विंसेंट मॉरिस एक क्राइम स्टोरी का विक्टिम है, और यहाँ ये बताने आई हूँ कि वो मर गया है। सुनकर बुरा लगा। क्या तुम कोई अपना कार्ड छोड़ सकती हो ताकि जब वो यहाँ आए तो मैं आपको कॉल कर सकूं? उनका लड़का मर चुका है, क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? बिना वारंट या अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकती। विश्वास नहीं होता। और कुछ कर सकता हूँ? नहीं, आप जाकर गेट पर पहरा भी दे सकते हैं। ऑफिसर, आपका दिन शुभ हो। कहाँ गई थी तुम? मैं बस आसपास चेक कर रही थी, तो वहाँ एक सर्विस एंट्रेंस है बिल्डिंग की साइड में, जहाँ कचरे के डिब्बे रखे हुए हैं। वहाँ जली हुई सिगरेट्स का डिब्बा मिला, जैसे कोई वहीं बैठकर पी रहा था। देखो, यहाँ से कोई भी आसानी से घुस सकता है। लेकिन मैं अभी नहीं घुसना चाहती जब तक इसके अलावा कोई और रास्ता ना हो मेरे पास। डिटेक्टिव पारा बोल रही हूँ। मिस्टर मॉरिस, हाँ आपका बेटा, हाँ आपका बेटा मॉरिस, क्या आप आकर बॉडी को पहचान सकती हैं प्लीज? मेडिकल जांच से उसे गोली लगी है। हेलो, बहुत ही अजीब है। मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही टेंशन में है। मुझे लगता है कुछ समय से इस कॉल का इंतजार कर रहा था। चलो चलें। तुम आसपास रहते हो तो पता चल जाता है। तो तुम मेरे साथ आने वाले हो या कल की तरह यहां से भागने वाले हो? मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। मैंने कहा था कि दोबारा यहां मत आना। इस बार इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ आई हूं। कौन, एंजल? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था ये मेरे साथ आएगा। मुझे बस बात करनी है। चलो ठीक है, मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम जिंदा वापस जाओगी, तो आ जाओ। तुम्हें बात करनी है तो करो, लेकिन पिछली बार जब हमने बात की थी तो उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था। नहीं हुआ। मैं यहाँ एंजल रिडविन की कत्ल के सिलसिले में आई हूँ, और केरा स्वीट के बारे में भी। ओ, तो तुम मुझसे कन्फेस कराना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। वीरानी जगह में अच्छे गवाह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक औरत ने 3 लोगों को उस रात वहां मिलते देखा था। वीडियो फुटेज भी यही कहती है। और उनमें से मैं कौन सा था? तुम दोनों ही थे जो मिले थे उस मीटिंग की तरह, जिसमें मैं तुम्हारे बीच आई और तुमने मुझे फेंक दिया। यही वीडियो फुटेज में भी दिखा, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ तुम दोनों बदल गए। कोई और भी था जो तुम्हारे बीच में आया था, जिसे शायद सच पसंद नहीं था। एक डीमन? देखो, मुझे पता है एक डीमन को कैसे काबू में करते हैं। शायद वो कोई क्रॉस हो सकता है, लेकिन रिडविन के पंख किसी तरह के क्लीन कट की वजह से नहीं कटे थे, शायद किसी हथियार से, जैसे तलवार। लेकिन डीमन तलवार नहीं रखते, एंजल रखते हैं। मुझे ये बताओ, ये तुम कर क्या रही हो? उसने ये सब किया है मुझे मार्कोसियस के सामने लाने के लिए। उसने मुझे सच बताया, और जब मैंने उसके मुताबिक नहीं किया तो वो कैरा के पास गया। उसने केस छोड़ने के लिए उसे रिश्वत दी। तुम्हें पता था कि ये सब कैसे होगा? पता था या नहीं? तुम्हें पता था कि कैरा का बदला लेने के लिए मैं ये सब जरूर करूंगी? ये मजेदार हो रहा है। हे मार्क, तुमने उस दिन रिडविन के साथ क्या सौदा किया? यही कि जंग रुकी रहेगी जब तक तुम इसे नजरअंदाज करती रहोगी। हमारे चैंपियंस को एक दूसरे से लड़ाने के बजाय हम उनको कूटनीति से आपस में बनाए रखने की कोशिश करते हैं, दोनों को बैलेंस करके, दोनों को साथ साथ चला के, और भी बहुत कुछ। प्लीज तुम लोग ही बात करो। तुम चाहते थे कि जंग दोबारा शुरू हो। हम हमेशा इन डीमंस को जीत के बाद जीत देते गए। उस जंग में जो हम चाहते थे तो जीत सकते थे। जो जंग हम जीतते हैं उसके बारे में हमें ही पता होता है,
मैं सब चीजें सही करना चाहता था। किसी एंजल को मारकर? राइली, रेडविन के पास वो चीज थी जो तुम्हें बचा सकती थी। वो प्रैक्टिकली मॉडल था। जो मैंने उसके साथ किया वो दया भाव था। हो सकता है ये इशारा एक पतन हो चुके एंजल के लिए था। मेरा पतन नहीं हुआ है। हो सकता है पूरी तरह नहीं, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। तुमने ये सब किया, रेडविन को मारा, क्यारा को उस अंजाम में धकेला, क्यों? राइली, मैंने तुम्हें देखा है। राइली, हमारे पास कभी तुम्हारे जैसे चैंपियन था ही नहीं। अगर ये तुम पर नहीं थोपा जाता तो तुम्हें इस जंग को खत्म करने का ऐसा मौका कभी नहीं मिल सकता था। देखो, उसका मतलब यह है कि मेरा पतन हो गया है। अगर ये मेरे खुद की कीमत है तो मैं तैयार हूं। तुम्हें इससे भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सैम। अपने हाथ सिर के ऊपर रखो। क्या तुम सीरियस हो? क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? तुम एक एंजल को अरेस्ट करने जा रही हो? इस गन में गोली से भी ज्यादा कुछ है। मैं एक चैंपियन हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे भी ज्यादा कोई जरूरी चीज है। क्रॉस, पवित्र जल, ये हमारे यकीन पर निर्भर करते हैं। तो बताओ मुझे, मुझे किस पर यकीन करना चाहिए? कानून पर या रस्मों पर? तो अगर किसी का खात्मा करना हो तो हर गोली उसके बीचों बीच लगनी चाहिए। पसंद आया, मुझे ये बहुत पसंद आया। जो कुछ अभी हुआ है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने उसे अरेस्ट करने के लिए नहीं सोचा था, है ना? तुम बस गोलियां चलाकर मजाक कर रही थी। ये एक ही रास्ता बचा था। ओह, ये भी कम था। जो कुछ भी अभी उसने किया है उसका पतन होगा। वो बस भटकता रहेगा या फिर वो दर बदर ठोकरे खाता रहेगा, तब जाकर उसे सजा मिलेगी। लेकिन ना कोई कैरा को बेगुनाह साबित करेगा और ना ही कोई रेडविन को न्याय दिलाएगा। ओ, हम है ना, लेकिन तुम्हें साथ देना होगा। तुम्हें जंग के बारे में तो पता ही है, तो सच अब खत्म। खेल चलता रहेगा डिटेक्टिव पारा, और मैं तुम्हारे खत्म होने का इंतजार करूंगा। अपना ख्याल रखना, और अब तुम यहां से जा सकती हो। ठीक है, इसे संभालो। क्या मैं इसे लैब में ले जाऊं? हाँ, लैब में ले जाओ। हे, तुम जानी पहचानी लगती हो। नहीं, बस उन चेहरों में से एक हूँ। हाय, तुम डिटेक्टिव प्रिस्ट हो ना? मैं हूँ जूलिया हंट, मेडिकल जांच करता। हाँ, मैं जानती हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अभी नहीं, लेकिन तुम जानती हो मुझे? हाँ, मैं डिपार्टमेंट के पूरे स्टाफ, उन सब के नाम और उनके पोजीशन से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। प्रीस्ट, तुम आसपास जाकर चेक क्यों नहीं करती? क्या तुम पहले यही नहीं कर रही थी? डबल चेक? ठीक है, ओके ओके। तो तुम्हारा नया पार्टनर बहुत हसमुख है। मैं कहने वाली थी कि जैसे कोई भनभनाते हुए उड़ने वाला पक्षी जो समुंदर में लैंड करने वाला है। वो एक कार्टून कैरेक्टर है। तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं लगभग कर चुकी हूँ। छाती में घाव है, वहाँ से खून बह रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये 3 घंटे के दौरान मरा होगा, लेकिन अब तुम्हारी काम आने वाली मुझे जो चीज़ चाहिए वो है इसका वॉलेट और आईडीज। क्या तुमने अभी आईडी कहा? नाइस, मैं नाश्ता बनाऊंगी तुम्हारे लिए। देखते हैं ये कौन है। विंसेंट मॉरिस। ओह नो, क्यों, क्या हुआ? साइसिक अपार्टमेंट, वही मॉरिस है। ओह शिट। हाँ, जिस आदमी के बारे में फिनी बता रही थी कि वो एक वीरान जगह में मारा गया है। सब ठीक तो है ना? गुड। चुपचाप यहां से चले जाओ मार्क।
ओ कम ऑन, मैं तुम्हें यहाँ चोट पहुंचाने नहीं आया हूँ। दरअसल उसका उल्टा, मैं तुम्हें यहाँ अपना असिस्टेंट बनाने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है मुझे डेविल से थोड़ा सा लगाव है। ये सिर्फ एक मर्डर है, तुम इसे भूल जाओ, आगे बढ़ो और दूसरी चीजों पर ज्यादा ध्यान दो। जाकर गिलफिनी को ढूंढो, कहीं ऐसा ना हो कि वो डिपार्टमेंट से पहले वहां पहुंच जाए। गिलफिनी? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने सोचा था कि उसके साथ तुम्हारा कुछ पर्सनल रिश्ता होगा। तुम और भी बहुत कुछ कर सकती हो यहाँ इन इंसानों की बॉडी में उलझने के बजाय। मैं नहीं कर सकती। मतलब किसी डेविल के साथ डील? ओह डेविल, ये भी एक डेविल है। इसे लेकर जाओ यहां से। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो अनजान है। ये किस तरह की लाइन थी? ओह ग्रेट। ठीक तो हो ना? थोड़ा बहुत। हे सैफ, थोड़ा आराम से पेश आओ और उसे जाने दो। ब्रो, और पीछे हटो। क्या तुम ये सही कर रहे हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे तुम पर यकीन है। चलो उस बारे में बात करते हैं। तुम लोग मुझे बस फंसाना चाहते हो और कुछ नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर मैं चाकू से इसका गला काटूंगा। क्या तुम ऐसा सच में करना चाहते हो? मुझे जाने दो। चाकू को नीचे करो। तुम खूनी नहीं हो। तुम्हें अभी तनाव महसूस हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन। तुम परेशान हो। इस बीच मेरे साथ कुछ चीजें गलत हुई हैं। जानती हूं, पर अब सब ठीक होगा। मुझ पर विश्वास करो। उस लड़की को जाने दो। मैं सच में चाहती थी कि रायली मुझसे दोबारा मिले। मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं जानती हूं, उसे जाने दो। तुमने सही रास्ता चुना सैफ। अब मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही हूं। ठीक है, चलो। कोई कट तो नहीं दिखाई दे रहा? कैसी हो तुम? मेरे सर पर बंदूक तन चुकी है, लेकिन गले पर चाकू पहली बार था। फिर आन जगह में कुछ नया होता ही रहता है। सुनो, मुझे लगता है कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ मैं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए यहाँ शांति होना ही काफ़ी है, पता नहीं क्यों। तुम्हें क्या याद है? उसने मुझे जाने दिया और तुमने मुझे बाहर निकाला। वो गया कहाँ? उसे मेरी पार्टनर ले गई है। तुम्हारी पार्टनर भी है? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम पीना चाहोगी? नहीं, थैंक यू, अभी ड्यूटी पर हूँ। राइट। वेल, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और हाँ, अनजान मत बन जाना। हाँ। डिटेक्टिव, उम्मीद है इस बार तुम्हारे पास कोई इनविटेशन होगा या कम से कम कोई वारंट। नहीं, हमें आपसे बात करनी है। लेकिन मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। हाँ तो कीजिए। आप यहाँ 16 साल से काम कर रहे हैं, इसका क्या फायदा हुआ आपको?
आप यहाँ चीजों का ध्यान रखते हैं या फाइल संभालते हैं? इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग सिक्योरिटी और मन की शांति के लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए जब फिंच मॉरिस को पुलिस वापस लेकर गई होगी, वो भी 2 सालों में 6 बार। ये एक बिल्डिंग के न्यूज़लेटर के लिए अच्छा नहीं है। फिंच मॉरिस एक पागल था, उसके माँ बाप उसे रिहैब में भेजा करते थे और वो वापस आ जाता था। वापस आता था चेक लेने के लिए। मैं दावा करती हूँ कि वो जब भी आता होगा इस बिल्डिंग में घुसने के लिए तुम्हें फोर्स करता होगा। उसका कोई लेना देना नहीं है इस बिल्डिंग से। तो उस रात को क्या हुआ था? और वैसे उस रात को तुमने ही उसे बिल्डिंग के अंदर आने दिया था ना? तुम्हारा खेल अब खत्म। मैं तुम्हें पोलाइटली बोल रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। अभी तो शुरुआत हुई है। ट्रैफिक कैमरा फुटेज में दिखता है कि तुम मॉरिस की कार में थे जो क्राइम सीन के पास खड़ी थी। पैसेंजर सीट में कोई खून नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ही उसे टाउन के बाहर ले गए थे और उसका खून कर... रुक जाओ। रास्ता साफ हो गया। ओके, तो बता जो सब तुम फोन में कह रही थी, जो भी हो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? नहीं, हाँ ऐसा ही कुछ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखो राइली, हमें केस छोड़ना होगा। ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो तो बस मर गया और उसकी तरह न जाने कितने लोग हर रोज मरते हैं। ये एक ही है जिसे हमने पकड़ा है। वैसे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा है? वो बस वहाँ मेरी कार के पास खड़ा होकर वेट कर रहा था। उसने मुझे केस छोड़ने को कहा। एक तरफ सैमुअल है जो हमें कातिल को ढूंढने कह रहा है और दूसरी तरफ कोई हमें रोक रहा है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, ये एक लंबी कहानी है। तुमने उससे छुटकारा कैसे पाया? किससे? उस आदमी से। हाँ, तुमने कैसे? तुमने हाँ कह दिया? I'm sorry, Riley. हाँ कर दिया। उसने मुझे पैसों का ऑफर दिया। मुझे जरूरत है। मेरी बहन अपना इलाज नहीं करा पा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलूं। मुझे बताना चाहिए था। नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। ये आदमी जहाँ कहीं से भी आया हो, वो मुझे इतने पैसे दे रहा है कि मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। मुझे बस ये केस छोड़ना होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो केरा? पहली बात तो तुमने ऐसा करने की सोची कैसे, और दूसरी बात कोई तुम पर भरोसा कैसे कर पाएगा आगे, क्योंकि अब बार बार तुम लोगों के साथ बस ऐसा ही करती रहोगी। मैं कोई बुरी कॉप नहीं हूं राइली, तुम जानती हो। तुमने सिर्फ एक केस छोड़ने के लिए पैसे लिए केरा। चलो दोबारा काम पर लगते हैं, चलो। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक तुम केस छोड़ने के लिए मान नहीं जाती। मुझे पैसों की जरूरत है। ठीक है, पहले ये गन नीचे करो। नहीं, मैं अपनी जरूरतें पूरी कर रही हूँ। हमें बस नाटक करना होगा कि ये डेड एंड था और कुछ नहीं। क्या तुम मुझे शूट करने वाली हो? हाँ कर सकती हूँ। आई होप इसके लिए तुम्हें सॉरी ना कहना पड़े। शूट करो करो। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए झूठ बोला, फिर भी वो सोचते हैं कि मैं एक अच्छी कॉप हूं। चीजें हमेशा उस तरह नहीं होती हैं जैसा कि हम उनसे उम्मीद रखते हैं। कौन आया था? हाँ, केरा तक पहुंचने वाला कौन था? किस कमीने डीमन ने उसे इन हालातों पर लाकर छोड़ा? ये कुछ सोचा समझा नहीं था, ये सब अचानक हुआ था। वो उसके परिवार के भी पीछे जाएंगे। यही तो डीमन करते हैं, वो अच्छे लोगों से बुरे काम करवाते हैं और केरा जैसे से समझौता करना ही उनका काम है, और यही डीमन को मजबूत बना देता है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम उनसे उम्मीद रखते हैं। काश मैंने ये केस छोड़ दिया होता, कम से कम केरा जिंदा तो होती। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। यहाँ पर कोई न्याय नहीं है, ना ही रेडवेन के लिए। मैंने फाइल में रिपोर्ट देखी है, लेकिन ये सब किसी डेविल ने किया। चैंपियन हो, तुम्हें चुना गया था क्योंकि तुम खास हो। तुम खास हो क्योंकि तुम्हें चुना गया। तुम यहां रहकर इंसानों के कानून से मार्कोसिस के सामने लोगों के लिए न्याय नहीं कर सकती।
तो मुझे जाकर उस वीरान जगह में डीमन का सामना करना चाहिए, ताकि सिर्फ एक ही रात में पूरा शहर स्वर्ग में बदल जाए। सबके लिए नहीं, शायद कुछ उन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है, जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़े, और ऐसा होता रहेगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ये भी कम नहीं है, और मैं बस ठीक हूं। इस वक्त मैं थोड़ी सी थकी हूं और मैं दुखी हूं। मुझे घर जाना है। सॉरी, तुम्हें चौंकाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, आई एम सॉरी। मुझे बहुत से लोग हैरानी में डाल देते हैं। तुम जो काम करती हो उसे जानकर मैं प्रभावित हुआ कि तुम अपनी जंग पर हथियार तक नहीं रखती हो। हाँ, ये तो है। लोगों को पढ़ने का मेरा फर्ज है। मैं देख रहा हूं कि तुम इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हो। मैं हूं फादर जैकब। रायली। बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ रायली? मुझे नहीं पता, मैं कभी चर्च पर निर्भर नहीं रही। कभी नहीं? मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर, मैंने कई बार लोगों को बदलते देखा है, और दोबारा एक ऐसी चुनौती देखकर अच्छा लगा। क्या आपको लगता है कि दुनिया में एंजल्स और डीमन होते हैं? ओह, अब जब तुमने चुनौती दे ही दी है तो मुझे इससे उभरना पड़ेगा। एंजल्स और डीमन, हाँ, मुझे यकीन है कि ऐसे जीव होते हैं। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि क्या वो वाकई उन राक्षसों को जगा देते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से उनके पास अपने वक्त में करने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि हमारे काम ईश्वर के द्वारा सराहे जाते हैं, और दुनिया में बुराई की ताकत मौजूद है, और जब उनसे सामना होता है तो हम सिर्फ बेहतर एंजल पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, सही चुनाव करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए। लड़ने के लिए? कैसे? हथियारों से? वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शायद पवित्र जल, वेलेक्स, कुछ गुप्त वस्तुएं, यही सब चीजें हैं जिनसे हम उन पिशाचों और राक्षसों को धराशायी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करते हैं जब इन पर विश्वास हो। इसी तरह से उनका सामना करना होता है, वरना ये सब चीजें किसी काम की नहीं है। मैंने किसी को खो दिया। मैं तो बस उससे लड़ ही रही थी, लेकिन कुछ और ही साबित हुआ। क्या तुम ये जानते हुए जी सकती हो जो किया वो और ज्यादा अच्छा किया जा सकता था? अगर वो मुझे मार देती तो? वो तुम्हारी चॉइस होती है, और यही उसकी मौत की वजह भी बनी। बिना कोशिश के जिंदगी नहीं होती। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तुम ही हो जो ये कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी कामना करता हूं जिसका तुम अभी सामना करने वाली हो, और तुमने जो खोया उसके लिए मुझे खेद है। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उसके लिए भी कीजिएगा, उसे चोट पहुंची है। उसका नाम क्या रहा है?
चोट नहीं पहुंचेगी। जो भी तुम्हारे जवाब है मुझे आशा है तुम्हें मिल जाएंगे। जैसा कि आपने बताया, ये रस्म रिवाज, पवित्र जल, क्रॉस, इन सब चीजों से एक डीमन का सामना किया जा सकता है। हाँ, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि पवित्र जल काम करता है और एक क्रॉस भी दुनिया में किसी भी डीमन से रक्षा कर सकता है, क्योंकि ये भगवान के साथ हमारे रिश्ते को दर्शाता है। अगर तुम्हारे पास ऐसा भरोसा नहीं है तो ये सिर्फ एक लकड़ी है और ये सिर्फ एक इमारत है। वो ढूंढो जिसमें तुम्हें भरोसा हो। क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शहर में ये सब करने की? हाँ चलो ठीक है, मुझे अरेस्ट कर लो प्यारा, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा अगर मैं जेल से बाहर आ गया तो। ओके, वो चलेगा, छोड़ भी दो। मैं चाहती थी कि रियल लगे। लेकिन तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रही हो? मुझे मार्कोसियस के बारे में जानकारी चाहिए। ओह, मार्कोसियस, मुझे मुझे बहुत कुछ पता है मार्कोसियस के बारे में। वो स्कॉटलैंड की एक घाटी में रहता है। नहीं रुको, वो रहता है पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में और सच में उसके बहुत बड़े पैर हैं। मेरे पास एक वजह है कि वो सच में है। नहीं हो सकता, कोई उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उसे छुपने की जरूरत हो। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती। इसी तरह के झूठ को फैलाकर वो दुनिया पर अब तक राज कर रहे हैं। तुम्हें पता है वाल्टर वाइड एक सच में काल्पनिक चरित्र है ना? तुम अपने केस पर ध्यान नहीं दे रही हो ना? ये पैसे लो और मार्कोसियस के बारे में जो भी पता है वो बताओ। ओके मैं ये नहीं कहता कि वो असली है, जो लोग बताते हैं उस कहानी पर ध्यान दो। मार्कोसियस एक ऐसा आदमी है जिसका शहर पर राज चलता है, हर कोई उसकी सुनता है। ड्रग्स का कारोबार, पैसा बहता है और मार्कोसियस सबसे ऊंचाई पर है। तो मैं वहां जाती हूं और पता करती हूं कि आसपास कब और कैसे ड्रग यहां से वहां होता है। कुछ भी। फिफ्ट और जेफरसन के पास जाओ, कुछ देर उनके आसपास रहकर उनकी हरकतों पर नजर रखो। हो सकता है उनके जरिए तुम और ऊपर तक पहुंचो और उसके बाद कोई तुम्हें मार्कोसियस के पास ले जाएगा। हो सकता है कि वो तुम्हें सांता क्लॉस के पास पहुंचा दे। लेकिन अगर मैं उस आदमी को ढूंढने निकलूं तो मैं ऐसे ही शुरू करूंगा। ओके, थैंक्स। श्योर, मैं देखती हूं। हे, तुम्हारे पार्टनर कहां है? केरा, वो अब नहीं रही, कल ड्यूटी पर मारी गई वो। बुरा हुआ। तुम क्या सोचती हो, ये सब मार्कोसियस ने किया है? अपने पैसे रखो, इस बार फ्री में, केस के लिए। वो अच्छे लोगों में एक थी। थैंक्स उसके बारे में ऐसा कहने के लिए। जिसने भी उसके साथ बुरा किया है तुम उस तक जरूर पहुंचोगी। जरूर पहुंचूंगी। तुम एक और चीज मेरे लिए कर सकते हो, इस बारे में किसी को मत बताना। किसी को पता चला तो तुम जेल जाओगे। जैसा चाहो।